मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार में मथुरा जिलाधिकारी पुलकित खरे, मांड विधायक राजेश चौधरी, बलदेव विधायक पूरन प्रकाश ने 58 एएनएम को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर मथुरा जिलाधिकारी पुलकित खरे और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। पूरे उत्तर प्रदेश में 7182 एएनएम को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मथुरा कलेक्ट्रेट में 58 एएनएम को नियुक्ति पत्र बांटे। नियुक्ति पत्र पाने के बाद एएनएम ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। विधायकों ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 7000 से ज्यादा एएनएम को नियुक्ति बांटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी ने आज प्रदेश के 75 जनपदों में 7189 एएनएम के परमानेंट जो पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्शन हुआ है उनको नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। उसमें हमारे जनपद मथुरा के 58 नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आज के इस अवसर पर सभी जितने को हमने नियुक्ति पत्र दिए सरकार के द्वारा दिए गए हैं उनको बधाई देता हूं। आशा करता हूं अपनी सेवाओं से जो मरीज आएंगे उनका दिल जीतेंगे और एक नई जैसे इसमें मुस्कुराहट है ऐसी हमारे मरीज आएगा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। इसके लिए सीएमओ साहब हमारे बनवा दिए हैं, उन्होंने पूरा बड़ा अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं सीएमओ साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। देखिए योगी जी की ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना है नौजवानों के लिए, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाए। पढ़ लिख करके आपने देखा होगा हमारे नौजवान भाई घूमते रहते हैं, पर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, पर योगी जी के रहते हुए ऐसा संभव नहीं है। पूरी पारदर्शिता के साथ अपने एग्जाम में भाग लेते हैं, चयन होता है और उनको नियुक्ति पत्र दिया जाता है। लखनऊ के अंदर योगी जी आज नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, हर जिले पर इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। और हमने चुनावी वादा भी किया था कि हम नियुक्ति पत्र देंगे, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, उसी के तहत ये कार्यक्रम किया। सभी चयनित अभ्यर्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खबर पीलीभीत से आज बाबा जय गुरुदेव के पास दिवसीय विशाल सत्संग समारोह का पूर्वक समापन हो गया। बता दें कि अंतिम दिन कई राज्यों की संत संगत में हर राज्य के अलग अलग विशाल भंडारे चलते रहे, साथ ही अंतिम दिन बाबा के दर्शन के लिए अनुयायियों की भीड़ जुट गई। खबर सूरत से है जहां सरोली पुलिस स्टेशन में पंजीकृत आरकेएलपी मार्केट के चौथे मंजिल पर आई मंजीरिया टेक्सटाइल में 5 लाख रुपए की चोरी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। वहीं अपराधी का नाम संदीप कुमार संतराम चमर बताया जा रहा है। डिवीजन के एसीपी के पटेल प्रेस वार्ता करके संपूर्ण जानकारी दी। सूरत शहर के सरोली पुलिस स्टेशन एरिया में आरकेएलपी मार्केट में फोर्थ फ्लोर पे माजरिया टेक्सटाइल नाम की दुकान में हाउस ब्रेकिंग की FIR सरोली पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुई थी। उसमें कंप्लेनेंट ने 5 लाख रुपया उनकी ऑफिस के टेबल के ड्रॉवर से किसी ने लॉक दुकान का शटर तोड़ के उसमें एंटर होके चोरी करने का फरियाद दर्ज हुई थी। सूरत शहर पुलिस कमिश्नर अजय तोमर साहब के मार्गदर्शन के तहत एडिशनल कमिश्नर सेक्टर 1 और DCP जॉन 1 सर के गाइडेंस के में सरोली पुलिस स्टेशन ने वर्कआउट के दौरान हाउस ब्रेकिंग करने वाले मुजरिम को अरेस्ट किया है। उसमें 3,70,000 का कैश मनी बरामद किया हुआ है और अभी तपास जारी है। आरोपी का नाम संदीप कुमार संतराम चमार रहने का डिंडोली गोड़ाद्रा प्रियंका सोसाइटी नेटिव प्लेस अयोध्या में है और उसने नाइट दौरान ये हाउस ब्रेकिंग किया था, उसने कन्फेस किया है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। मामला जनपद जालान के गुड़ोर थाना क्षेत्र के हदरुक चौकी के पास का है जहां पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। शराब के नशे में धुत तेज रफ्तार अनियंत्रित कार चालक ने आगे चल रहे मारुति वैन को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सड़क पर ही कई बार पट्टियां खाकर क्षतिग्रस्त हो गई। मारुति वैन में 2 लोग सवार थे जो घायल हो गए। वैन में टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित कार हैंडपंप के बगल में खड़ी मोटरसाइकिल से जा टकराई। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों और राहगीरों ने पुलिस और एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस सेवा मौके पर पहुंची और घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया, साथ ही शराब कार चालक को पकड़ लिया।
खबर सिरोन से है, जहां मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना, पुरानी पेंशन बहाली, किसान कर्ज माफी, गैस और बिजली में सब्सिडी सहित कई जनहितैषी राहतों को जोरदार समर्थन मिल रहा है, जिसे लेकर गांव गांव शहर शहर पहुंचा रहे हैं, जिसमें योजनाओं की जानकारी देकर आवेदन फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। बता दें, सरकार बनते ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के वचनों को तत्काल पूरा किया जाएगा और सभी को राहत और सहयोग दिया जाएगा। साथ ही सुभाष बहुत ने कांग्रेस की विचारधारा को व्यक्त करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास, जन जन तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है। खबर औरैया से, जहां भोगनीपुर कोतवाली के प्रभारी और दरोगा समेत 6 लोग लूट के मामले में गिरफ्तार हो गए। वहीं कोतवाली प्रभारी अजय पाल सिंह, दरोगा चिंतन कौशिक और सिपाही निलंबित। एसपी और एसपी कानपुर देहात की कार्रवाई में कोतवाल के सरकारी आवास से 50 किलो चांदी बरामद की गई। आपको बता दें कि लूट में शामिल स्कॉर्पियो, 315 बोल्ट की 2 राइफल और कारतूस आदि बरामद किए गए। वहीं सराफा व्यापारी से 3 जून को एक्सप्रेस वे से अपहरण कर लूट की थी, जिसका एसपी चारू निगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। ये 6 जून 2023 की घटना है, जब वादी मनीष सोनी उर्फ सागर, ये निवासी छोटी बाजार खिमी नाका थाना कोतवाली जनपद बांदा के रहने वाले हैं, इनके द्वारा सूचना दी गई कि लगभग 2 बजे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से ये बांदा से आ रहे थे और ये अपने परिवार को छोड़ के ये आगरा कुछ चांदी का सामान लेने जा रहे थे। तो पिलर 244-245 के बीच में एक सफेद स्कॉर्पियो ने इनकी क्रेटा गाड़ी को रोका, जिसमें से सबको उतार दिया। तो उसमें 2 पुलिस वाले निकले, जिन्होंने चेकिंग के नाम पे इनकी गाड़ी चेक करी और उसमें 2 छोटे बैग्स में कुल मिला के 30 छोटे छोटे टुकड़ों में चांदी थी, जो कुल 50 किलो थी। ये चांदी और उनके ड्राइवर को अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में लेकर वहां से चले गए, जिसके बाद इन्होंने पुलिस से संपर्क किया। समिति धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके 8 टीम्स गठित की गई थी। टीम्स में सर्वेलांस, साइबर, एसओजी सभी को लगाया गया। 5 अभियुक्त 24 घंटे के अंदर अंदर जीरो इन किए गए, इनके ऊपर निर्भीर मामूल किए गए। इनका मूवमेंट आगे का ट्रेस किया गया कि अब कैसे चांदी को रिकवर किया जाए। तो आज सूचना प्राप्त हुई कि ये जो चांदी थी, इन लोगों ने थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात में कहीं छोड़ के ये लोग घर गए थे और आज ये इकट्ठे होकर अपने चांदी के बंटवारे के लिए जा रहे हैं। तो इनको जालौन और खबर गोरखपुर से है, जहां नवनिर्वाचित चेयरमैन गोलाबाजार लालती देवी ने कई गांव में घूमकर लोगों की समस्याओं को सुना और अपने कार्य योजना शामिल करने का आश्वासन दिया। बता दें, चेयरमैन प्रतिनिधि मुरली प्रसाद ने गोपालपुर, नेबू आरिया, साई का जोत, बिस्रा आदि गांव में अपने समर्थकों को धन्यवाद कहा और माला पहनाकर समर्थकों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों की मेहनत के बल पर हम चुनाव जीते हैं। खबर देवास से है, जहां पुलिस विभाग और जन सहायता संस्था के संयुक्त प्रयासों से थाना परिसर में बाल मित्र कक्ष और महिला ऊर्जा डेस्क का शुभारंभ किया गया, जिसमें एसडीओपी संजीव मुले उपस्थित हुए। वहीं एसडीओपी मुले ने फीता काटकर बाल मित्र थाने का शुभारंभ किया और उन्होंने बताया कि बाल मित्र कक्ष में बच्चों से संबंधित प्रत्येक मामले देखे जाएंगे और बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी। बाल मित्र कक्ष में जन सहायता संस्था द्वारा बच्चों के मनोरंजन हेतु खेल सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। आज थाना हट के जिले पर बाल मित्र थाना एवं ऊर्जा महिला ऊर्जा डेस्क का उद्घाटन किया गया। जो एक भवन है, उसमें थाने में सेपरेट थाने से अलग हटकर ये बनाया गया है, जहाँ पर बच्चों के साथ किसी भी तरह के घटित अपराधों या पूरी समस्या या महिलाओं के साथ घटित अपराधों या उनकी घरेलू हिंसा से संबंधित समस्या का यहाँ पर सुनवाई होगी, जिसमें कि हमारे पुलिस की तरफ से सिविल में प्रेस में रहकर पुलिस अधिकारी एवं महिला अधिकारी उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनके निदान के संबंध में बात करेंगे, जिसमें हमारी जो देवास की एनजीओ संस्था है जन स्वास्थ्य, उसका भी योगदान है और उनका भी सहयोग लिया जाएगा इस कार्य में, जो कि एक भय की भावना
खबर मथुरा से है, जहां थाना सुरेल के अंतर्गत एक लड़की को मारकर जलाने के मामले में एक नया मोड़ ले लिया है। आपको बता दें कि थाना सुरेल में पिंकी के भाई नरेश ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी बहन को कुछ लोग अपहरण कर ले गए और मारकर खेत में जला दिया। लेकिन आज एक वकील के जूनियर ने पिंकी और उसके साथ उसके पति को जब देखा तो वो चौंक गया और उसने तुरंत ही अधिवक्ता को बताया कि पिंकी अभी जिंदा है और तुरंत दोनों को SSP के सामने पेश किया गया, जिसके बाद पिंकी ने सारा मामला विस्तार से बताया। पिंकी ने कहा कि मैंने कालीचरण के साथ 3 मई को कोर्ट मैरिज की थी और मैं अपने पति के साथ खुश हूं। पिंकी ने बताया कि उसके भाइयों ने जो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है वो गलत है। कल एक न्यूज मैंने पब्लिक ऐप के माध्यम से देखी थी तो पता चला कि ये मेरे क्लाइंट थे दोनों में, तो इसके भाई ने पीड़िता के भाई ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि लड़की को कालीचरण ने घर से उठा कर हुआ करके खत्म कर दिया और उसकी डेड बॉडी भी जिंदा जला दिया है। फिर क्या रहा? तो वो बैट देखने के बाद में SSP साहब की बैट देखी थी, उसके देखने के बाद में मैंने तत्काल इनको फोन के माध्यम से सूचित किया, तो आज मैंने बुलाया है और SSP के श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया है कि यह दोनों सुरक्षित हैं और इनके साथ में इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है जो इसके भाई ने या परिवारजनों ने प्रार्थना पत्र दिया है। ये दोनों सुरक्षित हैं, इस वक्त ब्रजपुर से अध्यक्ष मथुरा के कार्यालय पर उपस्थित हैं। मैं अधिवक्ता, ये भी दोनों मेरे साथी हैं, पीड़ित और उसका पति है। लेकिन सर, ये समाचार पत्रों में ये खबर प्रकाशित हुई थी तो किन साक्ष्य पर हुई थी, क्या मानते हैं इसको? ये तो हमें नहीं कह सकते कि इनके भाइयों ने जो प्रार्थना पत्र दिया है वो किस आधार पर दिया है, बिना जांच किए हुए कोई गलत प्रार्थना पत्र दिया है। हो सकता है कि कोई अन्य घटना घटी हो वहाँ पर, हम इस बात में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। पिंकी कहाँ की रहने वाली है? अच्छा, आपके भाई का कहना था कि आपका अपहरण कर लिया और हत्या कर दी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं अपने पति के साथ गई थी अपनी मर्जी से। तो आपके पति की कैसे बनेगी, आपने शादी की? कोर्ट मैरिज की थी मैंने, और चलो मैं अपने लड़ाई हुई थी घर में भाइयों में, वहाँ से मैं भाग गई थी। जो भाइयों ने जो रिपोर्ट लिखाई है वो झूठी है, वो सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब SSP से मिली हैं आप, क्या कहा अधिकारी से? आप उनसे हमने ये कहा था ऐसा कुछ घटना नहीं हुई, जो भाई ने रिपोर्ट कराई है ऐसा कुछ नहीं। ऐसा क्यों किया उन्होंने? हमको जानकारी नहीं है, जो जानकारी हमको कल हुई थी न्यूज पे। तो आप अपनी मर्जी से गई थी कालीचरण के साथ? मर्जी से गई थी। कहाँ के रहने वाले हो और क्या मामला है? नवजीत के रहने वाले हैं जी। शादी करी थी और भाई भाइयों में झगड़ा हुआ तो ये चली गई थी मेरे पास से। मैंने इनके भाइयों में से उनसे भी कही थी कि मेरी एक बार बात करा दो, वो करा दो, नहीं कराई मेरी कोई बातचीत नहीं हुई जिस दिन से मेरे घर से गई है। फिर इनका आप ही फोन आ जाता है 3 तारीख वाले दिन, कैसे मैं यहाँ परेशान हूँ, मैं घर से निकल आई हूँ रात को, तुम आ जाओ। मुझे जब भी विश्वास नहीं हुआ, फिर दोबारा कॉल आई जब मैं आया था घर से, जी आपने आप गली में निकल आई, मैं रोड पे था, आप मेरे साथ बैठ के चले गए। खबर मथुरा से, जहां सुप्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला की तैयारियों को लेकर SDM की अध्यक्षता में PW गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें मुड़िया संतों का अपमान किया गया। बता दें कि समीक्षा बैठक में बुलाने के बाद भी मुड़िया संत को बैठने नहीं दिया गया। आपको बता दें SDM ADM प्रशासन विजय शंकर दुबे अधीनस्थ अधिकारियों के साथ गोवर्धन पहुंचे और संबंधित अधिकारियों के साथ PWD रेस्ट हाउस में बैठकर दिशा निर्देश दिए। इसके उपरांत ADM ने संबंधित अधिकारियों के साथ गिरिराज परिक्रमा का मार्ग का निरीक्षण किया। एलाओ ऑफिसर के द्वारा मेरे सूचना दिए गए हैं, जो आज मीडिया मेला की मीटिंग है 12 बजे के टाइम दिया गया था। मैं 12 बजे आया तो कोई नहीं मिला, 12:30 बजे आए तो हम अंदर जाके देखे 2-4 अधिकारी लोग बैठे हैं तो आपस में मीटिंग कर रहे हैं। तो हम जैसे अंदर प्रवेश किए तो उन्होंने बोले आप कौन है, कहाँ से आया, क्यों आए यहाँ पर, आप जाइए। तब हमने बताया जो हम मुड़िया संत है, तो बोले आपने तो आपको कौन ने बुलाया, आप क्यों आए यहाँ पर। फिर बोले जो ठीक है आप ऐसा है बाहर जाके बैठिए, हम बाद में आपको बुला लेंगे। तो ऑफिसर हमें सूचना दिए थे सुबह, तो तभी हम आए थे, लेकिन ये व्यवस्था है वो आपस में तो मीटिंग कर रहे हैं लेकिन हमें अंदर नहीं दिया। एलाओ ऑफिसर,